हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जनरली मैं जब भी बोल्ड काइंड ऑफ कुछ आई लुक क्रिएट करती हूँ, उसके साथ मैं थोड़ा सा न्यूट्रल काइंड ऑफ लिप शेड यूज़ करती हूँ, और बोल्ड लिपस्टिक के साथ मैं थोड़ा सा न्यूट्रल काइंड ऑफ आई एंड मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ। सो मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा सा कुछ डिफरेंट किया जाए, और इसलिए मैंने ये बोल्ड लिप्स एंड बोल्ड आई मेकअप लुक का कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो फेस का जो बेस मेकअप होता है वो मैंने यहाँ पे कर लिया है, आईब्रोज भी कर लिया है, आईलिड को प्राइम भी कर लिया है, सेट कर लिया है लूज पाउडर से। अभी मैं आई मेकअप स्टार्ट करूंगी, और इस वीडियो में मैं सिर्फ आई मेकअप और आई मेकअप के बाद का जो चीजें होता है वो क्रिएट करना दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रोल पैलेट से इस कॉन्ट्रोलिंग के कलर को लिया है, और इससे आईलिड पे डेप्थ क्रिएट कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके अच्छे से ब्लेंड करते हुए और इसको बिल्ड करते जाना है कलर को। पहले थोड़ा सा लाइटर दिखेगा, और फिर बिल्ड करते करते ये डार्कर कलर में कन्वर्ट होता जाएगा, और पहले ही ज़्यादा प्रोडक्ट लेके इसको डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक आई शेडो को पिक किया है बहुत ही लाइट हैंडली, और मुझे एक हल्का सा टिंट चाहिए ब्लैक कलर का। पूरा जो डार्क ब्लैक होता है वैसा कलर नहीं चाहिए। सो मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर ले रही हूँ, और क्रीज को डिफाइन करते हुए इसे और थोड़ा सा डेप्थ दे रही हूँ। सो ब्लैक कलर को अप्लाई करते टाइम मैं आउटर वी की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, वहाँ पे कलर को अप्लाई कर रही हूँ, और ब्लेंड करके इनर कॉर्नर की तरफ ले जा रही हूँ, ताकि आउटर वी पे ज़्यादा कलर रहे और थोड़ा सा ब्लेंडेड दिखे इनर कॉर्नर की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर आई शेडो। ये एक सिल्वर कलर का ग्लिटर है, इसको मैं कट क्रीज की तरह अप्लाई करूंगी। एक बार में ये नहीं लगा है उतनी अच्छी तरीके से जितना कि मुझे कलर चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा सा ड्राई होने के बाद फिर से इसे अप्लाई किया है। सो आउटर वी की तरफ से फिर से मैंने ब्लैक कलर को लेके थोड़ा सा ब्लेंड किया है यहाँ पे, ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। अभी यहाँ पे मैंने लिया है एक एंगल्ड लाइनर ब्रश, इससे मैं ब्लैक कलर के आई शेडो को पिक करके एक लाइन की तरह ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि ये कट क्रीज थोड़ा सा डिफाइन दिखे। अभी मैं यहाँ पे मेबलिन का आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, ये ब्लैक लाइनर है। यहाँ पे मैंने फिर से उस एंगल्ड लाइनर ब्रश को लिया है, और ब्लैक आई शेडो को किया है लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। और थोड़ा सा फ्लफी ब्रश लेके मैं इसे ब्लेंड भी कर लूंगी अच्छे से। तो अभी मैंने आई लैश अप्लाई कर लिया है यहाँ। अभी मैं यहाँ पे एक पिंक ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि पिंक थोड़ा सा अच्छा लगेगा इस मेकअप लुक के साथ, लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ। इसके पहले मैंने ब्रॉन्जर भी अप्लाई किया था थोड़ा सा। यहाँ पे मैं एज अ मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर। आप लोग देखोगे कि ये टोनर अप्लाई करने से फेस कितना ग्लो कर रहा है, जबकि मैंने अभी तक अपने फेस पे हाइलाइटर अप्लाई नहीं किया है। अभी मैं फेस पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, और ये एक पर्ली व्हाइट कलर का हाइलाइटर है, और इस ग्लिटर आई लुक के साथ ये व्हाइट कलर का हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मैं रेड लिपस्टिक भी अप्लाई करने वाली हूँ, सो उसके साथ भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो अभी मैं यहाँ पे एक रेड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, ये रूबी वू है मैक का। मैं यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद लिप लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। लिप लाइनर से मैं बस डिफाइन करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि जब भी मैं ऐसे डार्क कलर के स्पेशली रेड लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ, तभी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, और हर किसी का होता है ये। सो मेरा एडवाइस ये यही रहेगा कि आप लोग जब भी डार्क कलर का कुछ लिपस्टिक अप्लाई करो, उसके बाद आप लोग लिप लाइनर यूज़ करो, ना कि पहले। सो गाइस, दिस इज द फाइनल मेकअप लुक। आई होप कि आप लोगों को ये मेकअप लुक थोड़ा सा डिफरेंट एंड अच्छा लगा होगा। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक थम्स अप दे देना, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो आप लोगों को ये मेकअप लुक कैसा लगा। एंड ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।